जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं एक सुधार मेजर ओमकार तलागी, भारतीय सेना। दोस्तों आपकी घटना आपको पता होगा कि दिल्ली द्वारका के अंदर जो है एक छात्रा जो अपनी बहन के साथ जो है स्कूल जाने के लिए खड़ी थी, तो द्वारका मोहन गार्डन के इलाके के अंदर जो है उसके ऊपर दो बाइकर आए और सुबह 7:30 बजे की घटना है। सुबह ठंडा भी रहता है और हल्का हल्का कोहरा, फिलहाल तो कोहरा इतना होता नहीं है, और उन्होंने पीछे वाले बैठे वाले लड़के ने जो है बाइकर ने जो है बाइकर के पीछे बैठे वाले बंदे ने जो है बच्ची पर तेजाब फेंक दिया, जो जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गई, जिसका इलाज सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और पुलिस भी एक्शन में आई, अपराधी ये गिरफ्तार हो चुका है और भी सब गिरफ्तार हो जाएंगे, इसमें कोई दो बड़ी बात नहीं। मैं सिर्फ गवर्नमेंट से, सरकार से ये कहना चाहता हूँ और देश के सर्वोच्च न्यायालय से सिर्फ मेरे चंद सवाल है, और सवाल ये है कि ये घटना पहली घटना तो है नहीं, ये घटना पहली घटना नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मतलब इसमें आप लोगों की तरफ से कोई कानून बना। सबसे पहले तो एसिड बाजार में ओपन बिकता कैसे है, नंबर एक बात। अगर ओपन बिकने की मनाही है तो बेचा किससे, किसके सह पर बेचा जा रहा है, कौन इसको बेचता है, कहाँ पैसा जाता है, किस तरीके से इसको बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता, नंबर एक बात। और नंबर दो बात, एसिड अटैक से कितनी बच्चियाँ जो है, ठीक है, अपना चेहरा, वास्तविक चेहरा खो चुकी है और तिल तिल मर मर के अपनी ज़िंदगी को यापन करती हैं, और इसकी जवाबदारी सरकार या सर्वोच्च न्यायालय की नहीं है तो किसकी है? इस पर कड़ा कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ठीक है, अपराधी बेखौफ इस तरह की वारदात को अंजाम इसलिए देते, इसमें पुलिस करे तो क्या करे? पुलिस का काम है गिरफ्तार करना और कोर्ट में पेश करना, लेकिन जो भी सज़ा और रिकमेंडेड होती है वो तो जज ने देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता, तारीख पे तारीख चलती है और धीरे धीरे वो बंदा छूट जाता है। आज तक एसिड अटैक के अंदर कोई ऐसा बंदा दिखा दो जिसको फांसी मिली है, खुलेआम चाइनीज स्केचिंग हो जाती है। अभी एक लेडीज जो है धूप में अपने घर के आगे धूप सेक रही थी और उसको जो है उसके कहते हैं उसको हथियार दिखा के सरेआम लूट लिया गया, ठीक है। और लड़कियों से ओपन छेड़छाड़ होती है लेकिन कुछ होता नहीं है, लास्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होती है। यूपी के अंदर संभल के अंदर एक घटना हुई जिसके अंदर जो है नाबालिग बच्ची, ठीक है, नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया गया और उसके बाद उनको जब पुलिस प्रशासन के अंदर वो परिवार गुहार लगाने के लिए गया था तो एसपी साहब, ठीक है, उसके बाद तो दुनिया भर की बातें उन्होंने घड़ी है, वहाँ जाकर जो वो बच्ची ने एक महीने के बाद सुसाइड कर लिया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। उसके परिवार को गाली देके भगा दिया जाता था, संभल की घटना यूपी के अंदर, ठीक है। और उसमें क्या हो गया, उसमें 10 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन वो बच्ची तो दुनिया से चले गई ना। एक SHO और इंस्पेक्टर को जो है उसमें सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया, लेकिन SP साहब के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। जो मेन सूत्रधार होता है, जिसके ऊपर पूरा थाना काम करता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी गाज नहीं करी और दो उनको जो है सस्पेंड कर लिया, 10 लोगों को सस्पेंड कर दिया और कुछ दिनों के बाद वो लोग अपनी नौकरी में वापस आ जाएंगे। और वो बच्ची दुनिया से चले गई है, उस बदाल के साथ 4 लोगों ने रेप किया था और आनंद फार्म में लोगों ने उनको 4 लोगों को पकड़ा गया है और उनको जेल में, और SP साहब बोलता है कि इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उनको ज़्यादा सज़ा दिलाई, कहने का मतलब है कि उनके लिए फिर भी मौत की सज़ा फिक्स नहीं है और ये लोग फिर छूटेंगे और फिर कहीं ना कहीं दरिंदगी फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे। हमारे पुलिस प्रशासन के अंदर ऐसे ईमानदार और सिर्फ पुलिस अफसरों की ज़रूरत है और ऐसे पुलिस प्रशासन की ज़रूरत है जो अपने काम को दिल से करे। और 75% लोग करते हैं, लेकिन 25% ऐसे हैं जो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए बैठे हुए हैं और अपनी रौब अपनी वर्दी का रौब झाड़ने के लिए इस यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। और अभी मैं सरकार से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके ना इस इन कानून को सख्त करिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि अपराधी जो बेखौफ होकर चाइनीज स्नैचिंग कर लेते हैं, लड़की बच्चियों से छेड़छाड़ कर लेते हैं और रेप कर देते हैं, उनको भी रेप करने के बाद हत्या करते हैं, जला देते हैं, ठीक है, और इतने दुर्दांत हत्याएं होती है, लेकिन हमारे वहाँ राजनीति से ना नेताओं को फुर्सत है, ना किसी को कोई फुर्सत है, ना सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में जरा से भी। ऐसा लगता है कि हमारे देश के अंदर जो जिनके हाथ में पावर, लोगों के घर में भाई बहन कोई नहीं होता होगा, जैसे उनके परिवार में दर्द की फीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनके घर में कोई ऐसी बात को कोई सोचता होगा ना समझता होगा। कितनी शर्म की बात है, एक बच्ची जो है 17 साल की बच्ची के ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद ऐसे ये पहला केस नहीं, लाखों अरबों केस हो चुके हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई कहीं नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है ना लोगों को जो है इस दर्द को आने समय तक झेलना पड़ता है। जब तक कानून सख्त नहीं होगा, इसमें कोर्ट सख्त नहीं होगा और सख्त सख्त सजा ऐसे लोग मुजरिम को नहीं दी जाएगी, बेपाक एसिड के बदले एसिड ना फेंका जाए, और इसके लिए जो है ना
जो जैसा करे वैसा भरेगा, अगर उसके ऊपर नहीं किया जाएगा ना तो ये जिंदगी भर ये ड्रामे चलते रहेंगे, होना कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से बेखौफी से लोग अपना काम कर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि हमने अपने टाइम से छूट जाना है और अगली वारदात को अंजाम देना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।